तो इंस्पेक्टर में स्वागत है तुम सबका मेरी एक न्यू वीडियो पे। मेरे को देख कैसे शॉक क्यों हो रही हो? देखो यार, आज से ना मैं ही वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि इंसेक्ट तो चला गया मेरे पे जिम्मेदारी देके छुट्टी पे, तो वो नहीं आने वाला अभी। गाइस मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यू। एंड गाइस, तुम लोग सोचोगे भाई ये लड़की का आवाज कहाँ से आया? वॉइस आर्टिस्ट बन गया हूँ गाइस, मिमिक्री वगैरह सीख चुका हूँ मैं। तो गाइस देखो, तुम सब जानते हो रैप्टर को? नहीं जानते? अरे यार, इसकी बात कर रहा हूँ। तो गाइस यार, अभी ना वो उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ है। तो गाइस वो ना मेरे को एक दिन बोल रहा था कि इंसेक भाई, पता है यार तेरा भी लाइक फैंस वगैरह है। मेरा यार कोई क्यों फैंस नहीं है यार, मतलब ऐसा हो कि यार मेरा भी कोई यार क्रेजी फैन हो जो कि मेरे पीछे पागल हो एंड ऑल। मैं सोचा यार ये तो मेरे को यार कंटेंट की आइडिया दे रहा है। तो गाइस आज मैं उसके सर्वर पे क्रेजी गर्ल फैन के ज्वाइन करने वाला हूं, जो गाइस बहुत ज्यादा ना क्रीपी होने वाला हूं। देखो कि आज ना मैं रैप्टर का कैसा दिमाग खराब करने वाला हूं। एक लड़की फैन बनके आज के बाद किसी लड़की से बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। मैं बड़ा आराम इंसान हूँ। सबसे अच्छा लाइफ है भाई, अकेले रहो भाई, पीसफुल सर्वर में खेलो, अकेले रहो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, बेस्ट लाइफ। रैप्टर का पर्सनल सर्वर एंड मैं बनी हूँ रैप्टर वाइफू। ऑलराइट, ये सर्वर में किसने ज्वाइन कर लिया मेरे? ओए हेलो, प्राइवेट सर्वर में किसने ज्वाइन कर लिया? ओके गाइस, मैं ना देखो सर्वाइवल तो आ चुका हूँ। एंड गाइस ना सर्वाइवल रहते हम लोग ताकि कोई लफड़ा ना हो, ठीक है। मेरे गाइस ना उसका आईडी से आके ऑपरेटर वगैरह सब कुछ दे दिया। हाय डियर भाई, कोई हैकर वैकर तो नहीं आ गया ना? लड़की है ना? हाँ लड़की है, लड़की। ओए हाय डियर, आईपी कहाँ से मिली? डियर वियर भाड़ में गया, जल्दी बताओ कैसे आई तुम यहाँ? बस आ गई, तुमने याद किया और मैं आ गई। भाई याद करने से किसी के सर्वर में चले जाएंगे? गाइस ये कुछ क्लियरली बता नहीं रही कि ये मेरे सर्वर में कैसे आई है, तो भाई मैं ज्यादा कुछ रिस्क लूंगा नहीं, मैं इसे करने वाला हूँ बैन। तुम मुझे हैकर लग रही हो, आई एम गोना बैन यू, बाय। तुम मुझे हैकर लग रही हो? ए, मैं हैकर? हाँ वो तो हूँ मैं, थैंक यू सो मच मेरी तारीफ करने के लिए। आई एम गोना बैन यू। ओ नहीं कहां से मिली? बैन नहीं किया भाई, बच गया। वो बस सच्चा प्यार करने वाले को सब कुछ मिल जाती है। वो सच्चा प्यार करने वाले को सब कुछ मिल जाता है ये? और मैं सिंगल हूँ यार। बट आज के बाद मिंगल हो जाओगे तुम भाई। रैप्टर वाइफू सीधा, भाई रैप्टर वाइफू। आई नो, बट आज के बाद तुम मिंगल। भाई मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दुनिया का सबसे बड़ा फैन हूँ। आई लव यू सो मच। ओके भाई, मेरे भी फैंस है, फैंस। लेकिन एक सेकेंड, इसमें बड़ा फैन लिखा हूँ, लिखी हूँगा ना भाई? ये मेरे कोई कॉलेज का दोस्त तो नहीं है ना जो मेरे मजे ले रहा? भाई बड़े बदमाश है भाई मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त। भाई लड़की का आईडी बना के 2 महीने तक मेरे से बात किया उन लोगों ने, बताऊंगा सालों। मुझे तुम पे शक हो रहा है, मुझे तुम पे शक हो रहा है। अबे शक हो रहा है? शक क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, अब मैं ठीक है, मान लो तू मेरी बहुत बड़ी फैन है, तू एक काम कर, वीसी आ जाओ जल्दी, वरना परमानेंट बैन खाने के लिए रेडी हो जाओ। ओ नहीं नहीं नहीं, वीसी आओ मतलब व्हाट द हेक, इसमें वीसी आऊंगा तो कोई चीज तो पता चल जाएगा ना। एक सेकेंड, वेट आई एम कमिंग बेबी। गाइस मेरे पे एक आइडिया है। वेट आई एम कमिंग बेबी। अबे ओ, मैं तुम्हारा बेबी बाबा नहीं हूँ, बेबी नहीं बुलाना मुझे, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे ऐसा गाइस एक वॉइस चेंजर ढूंढने वाला हूँ जो गाइस एकदम एक सेक्सी गर्ल की आवाज हो। ओके तो गाइस मैंने वॉइस चेंजर लगा तो दिया। गाइस मैं ना अभी इसके डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करने वाली हूँ। हाय रैप्टर, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ यार, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, सीरियसली यार। मतलब जब से मैंने तुमको देखा है मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे लिए, सीरियसली। मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गई है, मैं बस तुम्हें देखती रहती हूँ, पूरा दिन भर तुम्हें देखती रहती हूँ। तुम सच सर असली की लड़की हो? हाँ, तो नकली की लड़की भी होती है क्या दुनिया में? होती तो है, लेकिन होती है मतलब तुमने फिर एंजल वेंजल से कुछ हुआ है ना, तुम फंसे हो ना, सही बताओ। वो सब बातें बाद में करेंगे, ठीक है? मुझे पता था मेरे फैंस अच्छा मेरे फेवरेट वीडियो कौन सी है तुम्हारी? तुम्हारी सारी वीडियो, तुम मुझे फेवरेट हो तो तुम्हारी वीडियोस तो फेवरेट होंगी ना मेरी। अगर तुम कुछ माइंड ना करो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? अरे बिल्कुल रह सकती हूँ मैडम। अब सुन लो, इस सर्वर का बस एक ही रूल है और वो है इस घर में नहीं जाना है। और ये
घर में चली गई। कि दीवार बहुत ज्यादा ही खाली खाली है एंड इसके दीवार में मैं कुछ कारनामा करने वाला हूँ। एक आज रात अगले दिन आपको अपना घर बना के रहना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं। फैन के साथ ऐसा ट्रीट करते है भाई, फैन यार सब कुछ होते है भाई, तू फैन के साथ ऐसा ट्रीट कर रहे नूब। ठीक है मैं नीचे ही रहती हूँ यहाँ पे। यार तुम बड़ा ही मतलब कैसे तुम बिहेव कर सकते हो तुम्हारे फैन के साथ। थोड़ी प्राइवेसी, मैं मेरा प्राइवेट सर्वर है। ऊपर तुम्हारा अंडरवेयर लटक रहा है क्या? ऊपर मेरा अंडरवेयर नहीं है। तो गाइस मैं इसके दीवार पे ये देखो गाइस रैप्टर के कुछ पर्सनल फोटोज हैं। ओह माय गॉड, जो कि गाइस उसके फोन में है एंड वो कैसे निकाला मैंने वो तो भाई सीक्रेट है। लेट्स गो गाइस, ये देखो यहां पे एक फोटो, ये वाले फोटो पे ना गाइस मैं भी था रैप्टर के साथ, उसके पिछवाड़े पे उसके दोस्त लोग ना केक डाल रहे थे। लॉल ये अब देखो मेरा भी सर्वर में भाई लड़कियां खेल रही है। लेट्स गो भाई, खाने पीने का दे देते हैं। आएगी वेलकम। हेलो ये कहीं देखा सा लग रहा है क्या मुझे? तू खुदी है वे साले। एक सेकंड, ये टी-शर्ट तो मेरे पास भी है। खुद का थोपड़ा भूल गया क्या ये? मैंने बोला तुमको कि सच्चा प्यार करने वाले के पास छोटा मेरे पर्सनल पिक्चर तुम्हारे पास कहाँ से गई? अपलोड भी नहीं किया। तुम एक बात पता है ना कि जो लोग सच्चा प्यार करते हैं दिल से, जैसे मैं करती हूँ। मेरे गैलरी का एक्सेस तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? पर देखो ऊपर और भी मैंने थोड़ी बहुत लगाई है। ये तुम्हारे पैंट के अंदर क्या डाल रही है? मेरे पैंट के अंदर कुछ भी डाल, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? सब फोटो आए हुआ था, इसको जल्दी हटाओ भाई, ये सब जल्दी हटाओ। मेरे किसी ने देख लिया, तुम मुझे हैक किया। नहीं मैं तुमको हैक क्यों करूंगी? मतलब यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मैंने तुमको बताया है, जो लोग दिल से प्यार करते ना वो उनको सब कुछ मिल जाती है। अबे यार मेरी प्राइवेट पिक्चर्स इसके पास कहाँ से चली? भाई मेरे फोन में मैंने कोई भाई प्रॉक्सी ऐप वगैरह तो डाउनलोड नहीं कर लिया ना? लेट्स गो गाइस, इसको बोलने दो, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर क्या है? ओए इधर क्या है भाई? इसकी इधर रूम में क्या है? ओए ये कौन है? कालिया, ओ तेरा ढोलू वोलू कहाँ है? ढोलू वोलू नहीं है, छोटे छोटे ढोलू वोलू कहाँ? गाइस इसको ना देखो मैं ना लेके जाता हूँ ठीक है यहाँ से, एंड इसको ना मैं बैकअप प्लान के लिए रखूंगा अगर कुछ जरूरत पड़ी तो। चल 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 बे चल। तो गाइस क्या हो अगर मैं इस रूम को मेरी रहने वाली जगह बना दूं? देख सकते हो गाइस ये वाली कारपेट लगाएंगे यहाँ पे। गाइस थोड़ा सा पिंकिश तो करना चाहिए ना गाइस? मुझे नहीं फर्क पड़ा मेरा पेट कहाँ गया यहाँ से। मैंने तुम्हारे पेट को सही से रखा है, जल्दी कर, मैं बताऊँ मेरा पेट कहाँ है। आराम से अच्छी जगह सेफली रखा है। कहाँ है? कहाँ? वो तुम्हें मिल जाएगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। ये देखो ये रूम देखो, वो दरवाजा प्लीज बंद करोगे 2 मिनट के लिए? चलो। अब देखो ये रूम पूरा बंद है, ये दोनों बेड लगा है ना, आज रात को हम दोनों एक साथ यहाँ पे सोएंगे, क्या बोलते हो तुम? एक साथ सोएंगे? यस। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो पहले घर में घुसने दिया, ऊपर से मेरे फोन में से प्राइवेट फोटो तुम्हारे पास आ गई, तुमने मेरा पेट को क्या जाने कहाँ रख दिया, पूरा रूम का हुलिया बिगाड़ दिया, और अब बोरी सोना भी है साथ में। दिमाग विमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? गाइस देखो किसी फैन के साथ ऐसे गाइस बिहेव तो गाइस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या होता है भैंस की टांग। यार कैसी बेकार सी लड़की हो यार तुम, एकदम घटिया घटिया बातें कर रही हो, शर्म नहीं आ रही क्या? बिल्कुल नहीं, तुम बाहर में जाओ, मेरा पेट ज्यादा इम्पोर्टेंट। जल्दी करो मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी सब सही करो। घर बर्बाद कर दिया इस लड़की ने, आराम भी नहीं पूछ रही है। लड़की मेरा घर बर्बाद करके चली गई। यार मैंने सुना लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती है और ये मेरा घर तोड़ के चली गई है। लड़की जैसी भी है क्या? ओ गाइस मजा आ गया भाई की। लड़की से तमीज से बात करो, प्यार से सीधी बात अब गाइस हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। अरे आ जाओ रैप्टर, तुम क्यों खड़े हो डार्लिंग? यहाँ पे आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक तो मेरा घर जला के इतना बड़ा म्यूजियम बना दिया। साथ साथ आज हम दोनों इसके अंदर डेट पे जाएंगे, एक रोमांटिक सा डेट पे। आ जाओ डेट पे, वो भी तेरे साथ, अपने देख रही क्या? अब तो मैं डेट पे जाऊंगा वो भी कोर्ट के, तेरा मर्डर करने के बाद। मेरा कालिया मुझे वापस कर दे, मुझे वो बहुत ज्यादा प्यारा है। वो डायमंड के ब्लॉक्स तक यूज किए हैं भाई, इतना सारा सामान इसके पास कहाँ से? इतना दिमाग मत लगाओ, आ जाओ ना, देखो तुम्हारे लिए बहुत मस्त सरप्राइज है।
करेंगे? अबे मैं ना जा रहा तेरे साथ कोई डेट वेट पे, मेरा पे कालिया ला के मुझे जल्दी से वापस कर, नहीं तो ये देख रही है ना। नहीं 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 जाएगा ना आप गाइस, मुझे ना थोड़ा सा ब्लैकमेल का रास्ता यूज करना पड़ेगा। अच्छा तो तुम नहीं जाओगे मेरे साथ डेट पे? ये पूछने की बात नहीं है, मैं तब से कह रहा हूँ कि नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कालिया है, आई थिंक उसको एक भूत मारना ही चाहिए ना, शायद जाएगा। मारू मारू एक मारू। तुम जाओगे मेरे साथ डेट पे? जाऊंगा 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 जाऊंगा। प्लीज हाँ जो रहो मेरे कालिया कुछ उतार दो प्लीज। उतार दूंगी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आ जाओ तुम आ जाओ। मतलब यहाँ पे मैंने तुम्हारा पूरी लाइफ की कलेक्ट किया है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो शुरू होती है यहाँ से ऑल अबाउट योर्स। रैपिडो वाइटी? अबे मैं नाम रैपिडो ओला उबर कुछ भी नहीं है, मेरा नाम रैप्टर वाइटी है। इतना बड़ा यूट्यूबर का नाम गलत दे रही हो। सॉरी सॉरी, वो रैपिडो से ज्यादा मिलजुल रहा था ना। कोई बात नहीं, रुको मैं इसको जाबी के अभी सही कर देती हूँ। रैप्टर गॉड लिख सकते हो, इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ यार मैं, मजाक थोड़ी। रबड़ी वाइटी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, देखो रबड़ी वाइटी नहीं रैप्टर वाइटी। सब छोड़ो, ये देखो इसके अंदर गाइस, इसके बारे में बहुत सारी चीजें वीजे ना यहाँ पे बनाइए। फेवरेट फूड? अबे यार फेवरेट फूड तो सबको पता है, मैंने लाइव स्ट्रीम करते हुए इतनी बारी बताया कि बिरयानी एंड चिकन इज माय फेवरेट फूड। स्लीप पोजीशन कैसे पता तुम्हें मेरा है? मैं तो तुम्हारे सपने में आती हूँ ना। अबे मैं एड्रेस तुझे कैसे पता चल गया? आई टोल्ड यू मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। चलो अभी मेरा एड्रेस पता है ही, तो मेरे एड्रेस पे कुछ अच्छा अच्छा चीज भिजवा देना। चलो अंडरवेयर लिस्ट, ये सब कहाँ से मिला तुम्हें इन्फॉर्मेशन? संडे वुमेन्स अंडरवेयर, ये सब कौन बता रहा तुम्हें? मंडे सुपरमैन अंडरवेयर, ट्यूजडे नेबर्स अंडरवेयर, वेडनेसडे नो अंडरवेयर, थर्सडे पिंक अंडरवेयर विद हार्ट। ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली तुझे? सच है ना ये सब? देखो ये पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सही है, ठीक है? क्यों 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 गाइस, एक सेकंड बोला गाइस थोड़ा सा सच है। अरे कहीं से भी मिले यार, तुम अभी आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये देखो गूगल के पास होती है, मेरे पास सब कुछ होता है यार, तुम दिमाग मत लगाओ यार। देखो तो तुम्हारे पीछे क्या लिखा है, हाउ टू इम्प्रेस कॉलेज टीचर। अबे ये सब पागल हो गई, मेरे को कॉलेज से भी निकलवाई ये लड़की, ये सब कहाँ से आ रहा तुम्हारे पास? मैं नाम वाम नहीं बता रहा, मैंने नाम सर्च ना किया था, बच गया मैं। क्या है रशियन प्राइस इन इंडिया? हाँ वो मैं रशियन गेम्स की बात कर रहा था। अच्छा रशियन गेम्स? यस रशियन गेम्स बहुत इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और इंडिया की ऑडियंस बहुत लाइक भी करती है रशियन गेम्स को, है ना? तुम तो पता ही होगा शायद, मतलब। और पता है रशियन गेम्स की प्राइस 6,000 रुपए से शुरू होती है इंडिया में। ऐसी कौन सी गेम खेल रहे हो? गाइस मजा आ रहा है, ओ माय गॉड, हाउ टू इंस्टॉल क्रैक माइनक्राफ्ट। अबे ये सब कहां से, सब मेरा बोल खोल दे ये लड़की। बेस्ट मोड टू गेट रिवेंज, ये सबसे ऊपर होगा, ये मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले। साला इंसेक्ट, इसका नाम पढ़ के मुझे गुस्सा आने लगता है, हर बार मेरे साथ प्रैंक करता है, मेरे से रिवेंज लेने के लिए मोड ढूंढता है गूगल। देखो ये सारी चीजें पता है मेरे पास क्या, क्योंकि ये गूगल के पास है, इसलिए ये मेरे पास भी आ गई, समझ गए? अरे तो गूगल तेरे मौसी का थोड़ी है, ये जो तेरे पास भी आ जाएगा। अरे गूगल तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आ जा अभी, ये देखो एक सेकंड भाई, मैं मुझे आदमी है, मेरा फर्स्ट हाउस कैसे दिखता, तुम्हें कैसे पता? आई टोल्ड यू मैं तुमको जन्म से, मतलब जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तुम्हें स्टॉक कर रही हूं, 4.5 साल की तो खुद लग रही है। देखो तुम्हें ये पसंद आया कि नहीं जल्दी बताओ। अबे तू जल्दी डेट खत्म कर, मुझे मेरा बेड वापस चाहिए, तूने मेरे पेट को पकड़ के रखा है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पे आऊँ, वरना ये तो मत सोचना कि ये सब फालतू की बातें नहीं सुनना, अभी इधर आ जा। फार्ट क्या है ये? रैप्टर वाइटी फार्ट काउंटर? अबे यार तुमने आज तक पूरी लाइफ में जितना बार फार्ट किया है, मतलब आधा है उसका नंबर है। ए, तुम टेंशन ना लो, मैं गिन के बता रही हूँ, जल्दी बताओ। 3,169,182 बार तुमने पादा है भाई, 31 मिलियन टाइम्स मैंने पा लिया 20 साल में, मान लो मैंने इतना पादा, तू ये कैसे पता है? वो मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैंने तुम्हारे हर पाद की साउंड को सुना है, हर पाद की स्मेल भी मैंने लिया है, इसलिए मेरे को नहीं लाना इसके बाद में भाई परेशान। देखो तुम चले गए तो मैं तुम्हारे पेट को मार दूंगी। अबे
तू रख ले मेरा पेट, बाद में एक और नया पेट पाल लूंगा, तेरे पास रहूंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। हट यहाँ से। अरे बेबी मत भागो ना डार्लिंग, हम दोनों का बच्चा भी बहुत क्यूट होगा। ठीक है ये मैं बच्चा, अबे तू पागल है क्या, मैं तेरे पास नहीं रहना चाहता, तू तुझे बच्चा चाहिए मुझसे, दूर रह मेरे से। ठीक है मैं सर्वर बंद करने जा रहा हूँ, हो गया तुम्हारा, मेरा घर इतना प्यारा घर बर्बाद कर दी, तू फैन है कि हेटर है भाई। एक सेकंड यार, ये गाइस अगर सर्वर बंद कर देगा तो यार गाइस सीन हो जाएगा मेरे साथ। यार आई हैव एन आईडिया, हाय रैप्टर देखो तुम ऐसे अपने सर्वर को बंद नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम पे नजर भी रखी हूँ। अच्छा मेरे घर में हो, तुमने तुम्हारे टेबल पे एक ब्लैक कलर की बॉटल से पानी पी रहे हो ना। हाँ अरे लेकिन एक सेकंड, मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है, तो उसमें तो दिख ही जाता होगा। तो बताओ और क्या इन्फॉर्मेशन बताओ, मैं तो तुम्हारे रूम पे ही हूँ, तुम्हें देख भी रही हूँ। तो मेरे दीवार का कलर बताना जरा, जो मेरे पीसी के पीछे है। मतलब तुम्हारा फ्रंट दीवार? जी हाँ, तुम्हारा उस दीवार का कलर ये है, और तुमने अभी एक ब्लू कलर की हुडी पहनी हुई है। ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं नहीं मिलने वाली हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा ही अलग हूँ। तो तुम शांति से आके अपने चेयर में बैठ जाओ। क्यों, तुम्हारे कहने का मतलब क्या, शांति से आके बैठ जाओ, मेरे घर में घुस गए तो तुम मैं शांति। और हाँ, तुम्हारे चेयर के वो दो पिलो को भी सही कर लेना, वरना अच्छे से बैठ नहीं पाओगे। हाँ ठीक है, वो बात तो ठीक है, मैं सब कैसे पता चल रहा है भाई, तुम मेरे घर में कैसे आई? देखो मैं तो कहीं भी आ सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। और देखो सुनो, अभी ये सब छोड़ो, मैं तुमसे ना शादी करना चाहती हूँ, अब तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। शादी? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तो तुझे अब भी लग रहा है कि इतना सब होने के बाद मैं तुझसे शादी कर लूंगा? हाँ तुम करोगे, और प्लीज मुझे ऑपरेटर दे दो ना, तो ताकि मैं तुमको शादी के वहाँ पे लेके जा सकूं। अकल अकल है कि नहीं है, ऑपरेटर मांग रही है वो भी, इस मेरे सर्वर का ऑपरेटर तो नहीं मिल रहा। आई थिंक तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे रूम में हूँ। ठीक है दे रहा हूँ ऑपरेटर। नाइस, थैंक यू सो मच डार्लिंग, अभी रुको मैं जा रही हूँ वहाँ पे। ओ माय गॉड, लेट्स गो, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आओ। आ रहा हूँ, शादी करनी है। यस, आ जाओ, पीछे देखो यहाँ पे हमारी शादी होने वाली है। अब ये सब कब बनाया तूने? तुम मेरे से सही में कितना ज्यादा प्यार करते हो, मेरे से शादी करने के लिए? मैं बिल्कुल भी नहीं करता। पर ये देखो, ये है पंडित जो आज हमारी शादी कराएगा। अबे पंडित साले, एक सेकंड, ये चर्च है ना? हाँ। तो चर्च में कब से पंडित जी शादी करवाने लगे भाई? तुमको उस पे दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप शादी करो, खड़े हो जाओ। ठीक है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो? नहीं, लाखों बार नहीं। करो चुपचाप। मेरा हस्बैंड कितना ही प्यारा, देख रहे हो पंडित? ग्रेट, सो नाउ कम क्लोज एंड यू मे नाउ किस द ब्राइड। किस द ब्राइड करूँ मैं? तुझे किस करने से तो मैं खुद जल के मर जाऊँ भाई। ये लो भाई, भाई लो भाई, मैं मर के खुश हूँ भाई। मैं गया जाके लॉल गाइस, दैट वाज क्रेजी ब्रो।